हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा फर्स्ट, डॉक्टर कीर्ति दिस साइड। चरक संहिता कल्पस्थान सीरीज में हम लोग अभी तक 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 कृतवेधन कल्पम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। इसके पर्याय है कुशातकी, मृदंग फल और क्षवेट। इसके गुण है कटु और तीक्ष्ण और ये उष्ण वीर है। उसके बाद इसमें रोग अधिकार का वर्णन मिलता है, मतलब हम कहां पर कृतवेदन का प्रयोग कर सकते हैं, तो वह है गुल्म, पांडु, कुष्ठ रोग, प्लीहा वृद्धि और कृत्रिम विष। इन सभी स्थान पर हम कृतवेदन का यूज कर सकते हैं। इसके टोटल 60 योग का वर्णन मिलता है, घृत क्वाथ आदि के साथ अलग अलग 60 योग का वर्णन मिलता है। कास से पीड़ित व्यक्ति में हम इसका यूज कर सकते हैं, कैसे? इक्षु के रस में पकाए हुए कृतवेधन चूर्ण को हम रोगी को पीने के लिए दे सकते हैं। इसका लैटिन नेम है ल्यूफा एक्टेंगुला एंड इट बिलोंग्स टू कर्क्यूबिटेसी फैमिली। इससे पहले हम लोग अपने 1-5 चैप्टर्स अपलोड कर चुके हैं चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन जस्ट वॉच आउट फ्रॉम द चैनल फ्रॉम द प्लेलिस्ट। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे कि इससे पहले हमने ल्यूफा एकिनाटा किसका लैटिन नेम पढ़ा है। ओके, सो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज हाउ वी कम्प्लीटेड अनदर चैप्टर टूडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब अ चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।